भारतीय टेलीकॉम नियामक यानी ट्राई ने नेट न्यूट्रलिटी का समर्थन करते हुए कहा है कि इंटरनेट कंपनियों को अलग अलग दामों पर सेवा मुहैया कराने की इजाजत नहीं होगी। ट्राई के अध्यक्ष आरएस शर्मा ने कहा है कि इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियों को अलग अलग वेबसाइट्स के लिए अलग अलग शुल्क लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ट्राई ने कहा है कि हालांकि आपात स्थिति में ऐसा किया जा सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि internet.org को भारत में अमल में नहीं लाया जा सकता है। ट्राई के इस फैसले से फ्री इंटरनेट पहुंचाने की फेसबुक इंक की योजना को बड़ा झटका लगा है। फ्री बेसिक्स योजना चंद वेबसाइट्स को निशुल्क पहुंच की सुविधा देता है। बट टुडे वी हैव कम आउट विद अ रेगुलेशन व्हिच एसेंशियली मैंडेट्स दैट नो सर्विस प्रोवाइडर शैल चार्ज डिफरेंशियल प्राइसिंग ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट्स or source. So it should be not based on source, destination, type of content or the application. So that's the general, and we have used the term discriminatory pricing in place of differential pricing, because differential pricing in that paper had a particular context. This is the discriminatory, so we call it discriminatory. And essentially what we are saying that the packets on internet, the pipes should not decide, pipes should be agnostic to the packets in the internet. So that's the, broadly the principle, and from a tariff perspective, this is what we have decided. We have also made exceptions or exemptions in case of grave emergencies. ट्राई तो शुरू से नेट न्यूट्रलिटी को सपोर्ट कर रही थी और आज का जो आदेश है उससे स्पष्ट हो गया है कि ट्राई भी नेट न्यूट्रलिटी के सपोर्ट में है, लेकिन उसमें जो कुछ एग्जेम्पशंस प्रोवाइड किए गए हैं उसमें भविष्य में चोर दरवाजे न बन जाएं, जिससे कि बड़ी कंपनियां इन एग्जेम्पशंस के माध्यम से रिड्यूस टैरिफ या कंसेशनल टैरिफ से नेट न्यूट्रलिटी को वायलेट कर सकें। This is definitely a victory for the Save the Internet campaign and for the millions of people that backed it and wanted for all differential pricing to be banned. In fact, some things that Save the Internet campaign wanted to even allow, consider things like refund systems, even those have been banned by this order.